खूठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। ओ गुरमीत फोन उठाओ। डैम इट। तुम खुद को समझती क्या हो? जाओ प्लीज अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम्हारी वजह से मेरे डैड को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने नहीं कहा था उनसे कि वो मुझे यहाँ लेकर आए अपने साथ। Just shut up, it's enough. मुझे लगता था कि वक्त गुजरने के साथ साथ तुम समझ जाओगी, संभल जाओगी, लेकिन नहीं। डैड बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम ठीक हो ही नहीं सकती। You know what? तुम्हारी यही हरकतें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। और पता है तुम्हें, उस वक्त तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए ना वहां पे मैं मौजूद होंगी और ना ही डैड होंगे। अभी भी वक्त है, सोच लो। तो फोन उठाओ। गुरमीत फोन उठाओ। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब तो उनकी हालत बेहतर है, लेकिन जब उनको यहाँ लाया गया था तो तब उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वो हर वक्त अपने बच्चे और शोहर को पुकारती रहती थी, ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। जो भी हादसा इनके साथ हुआ है उसके बहुत गहरे असरात इनके दिल और दिमाग पर मुरतब हुए हैं। वो अपना सारा माजी भूल गई हैं सिवाय अपने बच्चे और शोहर के। तो क्या इनका कभी कोई इनको मिलने के लिए नहीं आया? अभी तक तो नहीं। मुझे इजाज़त दें, मैंने एक पेशेंट को देखने जाना है। अल्लाह हाफिज़। पता है ये कौन है? कौन है? मेरा अब्दुल्ला है, मेरा चांद जैसा बेटा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे नाराज हो गया, पता नहीं चला गया है कहीं, मुझसे मिलता भी नहीं है। तू हर दफा मुझे पकड़ लेती है। रुखसाना तुझे तो पता है ना, तेरी हार मेरे हाथों लिखी है। कभी ना कभी तो जीतूंगी। अच्छा? हाँ। और अगर हमें एक ही लड़का पसंद आ गया तो क्या करेगी तू? तो मैं छीनूंगी उसको तुझसे। अच्छा, तो तेरी ये मजाल? अच्छा अच्छा मजाक कर रही थी, मेरी क्या मजाल कि तेरी पसंद को पसंद करूं? और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो तेरे रास्ते से हट जाऊंगी। चल पगली, तू तो बहन है मेरी, जान है तू मेरी, तुझ पे तो मैं अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दूं। Oh, my God.
आलिया, आलिया मेरी बहन। आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली।